नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। इस खबर के प्रायोजक है मजबूत इरादा मजबूत वादा, लाला प्रधान है बेहतर ज्यादा। लाला प्रधान जिला पंचायत सदस्य बसपा प्रत्याशी वार्ड नंबर 18 बुलंदशहर को अपना कीमती वोट देकर विजय बनाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देश अनुसार अपर पुलिस अधीक्षक अपराध कमलेश बहादुर के कुशल मार्गदर्शन में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों की जांच उपरांत ऑनलाइन ठगे गए कुल 8,81,572 रुपए साइबर क्राइम सेल बुलंदशहर द्वारा अथक परिश्रम कर निम्नांकित 22 व्यक्तियों व आवेदकों के बैंक खाते में वापस कराए गए, जिनके नाम पता एवं धनराशि का विवरण निम्नवत है। रामगोपाल शर्मा निवासी मकान नंबर 80/178 मोहल्ला दुर्गापुरम पंडी नगर जनपद बुलंदशहर 35,000 वापसी कराई गई धनराशि। रामेश्वर सिंह पुत्र रघुनंदन सिंह ग्राम दशारी थाना अरनिया बुलंदशहर 9,000 वापस कराई गई धनराशि। पवन कुमार भाटी पुत्र राजेंद्र प्रसाद भाटी निवासी ग्राम जागेतपुर बुलंदशहर 57,400 रुपए वापस कराई गई धनराशि। नीरज कुमार गुप्ता पुत्र राजेंद्र कुमार गुप्ता निवासी राजनगर चांदपुर रोड बुलंदशहर 20,000 रुपए की धनराशि वापस कराई गई। अमन यादव पुत्र सुभाष यादव निवासी ग्राम नगला कला बुलंदशहर 43,730 रुपए की धनराशि वापस कराई गई। इस खबर के प्रायोजक है दिन हो या रात हर वक्त आपके साथ, जन जन की यही पुकार मोहम्मद अफजल अबकी बार। वार्ड नंबर 18 से जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार अफजल भाई को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाया। निस्तारण किया गया है, किस तरह से ढंगी की गई थी और किस तरह से इनका निस्तारण किया गया है? बुलंदशहर की साइबर सेल की टीम के द्वारा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की गई है और जो कुछ जागरूक लोग थे जो एटीएम फ्रॉड बैंक फ्रॉड हैकर्स के द्वारा प्रताड़ित थे और जिनका कैश कट गया था, जिन्होंने समय से पुलिस को सूचना दी थी, जनवरी माह से लेकर मार्च माह के लास्ट तक ऐसे 22 लोगों के कुल 8,81,572 रुपये वापस कराए गए। उनके अकाउंट में 100% पैसे वापस हुए। इसमें उल्लेखनीय है कि कुछ लोगों में जागरूकता का अभाव है, जिसकी वजह से वो काफ़ी विलंब से पुलिस को सूचना देते हैं। तो आपके माध्यम से मैं लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर किसी तरह का कोई बैंक फ्रॉड या एटीएम से पैसे गायब होने की कोई बात उनके संज्ञान में जैसे ही आती है, तत्काल पुलिस को सूचित करें और अगर 72 घंटे के भीतर पुलिस को सूचित कर देते हैं तो हम सबका एक प्रयास रहता है कि मैक्सिमम धनराशि वापस हो जाती है। तो ये सारे लोग वो थे जिन्होंने समय से पुलिस को सूचना दी थी और हमारी साइबर सेल की प्रभारी राजीव कुमार गौर के द्वारा बड़ा परिश्रम करते हुए इन सबके पैसे वापस कराए गए। और जागरूकता के लिए भी इन लोगों को बताना आवश्यक है और ये जो भी लोग हैं इनसे मेरा अनुरोध है कि भी अपने आसपास के कुछ लोगों को जागरूक करें और कभी भी कोई OTP या इस तरह की सूचना अगर किसी हैकर के द्वारा या फ्रॉड के द्वारा मांगी जाती है तो कस्टमर फोन पे उपलब्ध न कराएं। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कई प्रकरण ऐसे आए जिसमें गूगल के माध्यम से लोगों ने हेल्पलाइन के नंबर की तलाश की, वो सारे नंबर हैकर्स द्वारा गूगल पे डाल रखे गए हैं और जैसे ही ये उस नंबर पे कॉल करते हैं फिर इनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो लोग जो है जो वास्तव में बैंकों के टोल फ्री नंबर हैं उन्हीं पर फ़ोन करें, हैकर्स के द्वारा जो गूगल पे नंबर डाल रखे गए हैं उनसे बचें। इसमें सर कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं, पहले फ्रॉड कर लिया गया, फिर फ्रॉड की रकम उपभोक्ता के खाते में ट्रांसफर कर दी गई और उसके बाद में फिर फ्रॉड कर दिया गया, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना यह है कि कई बार विश्वास अर्जित करने के लिए हैकर्स जो है पैसा इनका निकालते हैं, इसके बाद फिर जब इनके द्वारा अनुरोध किया जाता है तो बैंक बन करके बैंक का कर्मचारी बन करके इनका पैसा इनके अकाउंट में वापस कर देते हैं और फिर अगली बार इनका OTP या सारी चीज़ें प्राप्त करने के बाद जब इनको विश्वास हो जाता है कि बैंक के लोग हैं तो फिर लंबी धनराशि इनके अकाउंट से काट ली जाती है। तो ऐसे भी लोगों से बचें। बैंक इस तरह की कोई न तो सेवा प्रदान करता है न बैंक से कोई इस तरह से फ़ोन करके आपसे कोई जानकारी मांगता है, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी है और उस वजह से घटनाएं हो रही हैं। हम सब ने ठाना है गाँव को स्मार्ट बनाना है। ग्राम सुनेहरा से इस खबर के प्रायोजक है प्रधान पद के भावी उम्मीदवार मुशर्रत पत्नी मोहम्मद इमरान ग्राम प्रधान सुनेहरा से। इस खबर के प्रायोजक है डॉक्टर शाह गुप्त रोग विशेषज्ञ हापुड़ रोड गुलावती बुलंदशहर।
इस खबर के प्रायोजक हैं पप्पू लोधी, भावी उम्मीदवार, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 18। बुलंदशहर में पहली बार दिल्ली और नोएडा की तर्ज पर बना रॉयल फन वर्ल्ड। अब गर्मियों की छुट्टी में करें फुल एंजॉय। बच्चे और बड़ों के लिए उपलब्ध। हमारा पता है गांव चंदेरू, दिल्ली रोड, NH91 बुलंदशहर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें, और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।